महंगाई दीमक की तरह खा रही है। कभी सोचा है आपने, एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों? कभी सोचा है आपने, दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार, जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे। आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवराज सरकार के कामों की सराहना की और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र को भी दिवालिया बैंक का आउटडेटेड चेक बताते हुए कहा कि कांग्रेस वादे करती है लेकिन उन्हें कभी नहीं निभाती। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश का विकास किया है, जनता शिवराज के कार्यों को पसंद कर रही है और इस बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। राम मंदिर मामले पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जीएसटी और नोटबंदी को राजनाथ सिंह ने देश के हित में बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत फास्टेस्ट गोइंग इकोनॉमी के रूप में उभर कर सामने आया है, सिर्फ सरकार की नीतियों के कारण ऐसा हुआ। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के संबंध में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि कहा है कि जो है बिल्कुल हमारी सरकार बनेगी तो हम कर्ज माफी कर दे देंगे। हमारा कहना है कि वादे कांग्रेस ने बहुत सारे किए थे और मैं याद दिलाना चाहता हूं, गरीबी हटाओ का नारा भी यह कांग्रेस का ही जो दिया हुआ है, बहुत पुराना नारा है। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि गरीबी हटाओ के अतिरिक्त कई इस प्रकार के स्लोगन समय समय पर उनके द्वारा दिए गए हैं। इंदिरा गांधी ने भी एक स्लोगन 69 में दिया था, बैंकों का नेशनलाइजेशन हम कर रहे हैं, इससे हिंदुस्तान के गरीबों को सर्वाधिक लाभ होने वाला है, लेकिन गरीबों का कोई लाभ नहीं हुआ है। लेकिन उनके कहने के बाद नेशनलाइजेशन किया, गरीबों को कोई लाभ नहीं हुआ, पहली बार बैंकों का जनरलाइजेशन करने का काम यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो बीजेपी ने किया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के वचन पत्र को भी दिवालिया बैंक का आउटडेटेड चेक बताते हुए कहा कि कांग्रेस जो वादे करती है उन्हें कभी नहीं निभाती। राजनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस के समय प्रति व्यक्ति आय 15,000 थी जो अब 80,000 है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। महंगाई दीमक की तरह खा रही है, कभी सोचा है आपने? एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों, कभी सोचा है आपने? दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे। आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में, सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।